नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र से है, जहां एक पीड़ित परिवार आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि लगभग एक हफ्ते पहले गांव के कुछ दबंगों द्वारा उन्हें मारा पीटा गया है। पीड़ित तीर्थराज ने बताया कि हमारा पटीदारों से कुछ जमीनी विवाद है, लेकिन हमारे गांव के कुछ लोगों ने बिना मतलब के ही हमें पीट दिया। तीर्थराज ने बताया कि जब वह काम करके घर वापस आ रहा था तो गांव के ही कुछ लोग जो थाने में होमगार्ड हैं, जिनका नाम श्रीनिवास पुत्र रामनाथ, चलाकी दुबे व गोलू, उन्होंने रास्ते में रोक कर झगड़ा करना शुरू कर दिया। तीर्थराज ने जब इसका विरोध किया तो तीनों बाप बेटों ने मिलकर उसे बुरी तरह से मारा पीटा। बकौल तीर्थराज इसके बाद वह किसी तरह से वहां से जान बचाकर भागा। दूसरे दिन जाकर थाने पर शिकायती पत्र दिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित का आरोप है कि अब उल्टा क्षेत्र के चौकी इंचार्ज द्वारा उसे बार बार थाने पर बुलाया जा रहा है और दबंगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित परिवार अब पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। क्या नाम है? तीर्थराज। कहाँ रहने वाले? दामोदरपुर। कौन थाना है? मुबारकपुर। क्या मामला है यहाँ? सर मेरा मामला ये है कि लोग दुबे लोग मुझे मारे हैं। हाँ। जो मेरे गांव के हैं, गोलू हैं, श्रीनिवास। हाँ। क्यों? हाँ। मारे? इसलिए वो कुछ जमीनी विवाद था मेरे पटीदारों में, तो उसी के लिए वो ये लोग मार रहे हैं। मैं सर गाड़ी चलाता हूँ आजमगढ़ में। जब शाम को 8 बजे रात को जा रहा था तो ये लोग मुझे रास्ते में छेक के मारे। कौन कौन लोग मारे थे? पहले गोलू मार रहे थे, उसके बाद उसके पिताजी आए। मैं बोला चाचा मेरा ये गोलू मुझे मार रहा है, तो कर वो भी लगे मुझे मारने। मेरा चैन था और मेरा पैसा था, छीन लिए। आपसे उन लोगों का कोई विवाद था क्या? जी मेरा विवाद उनसे नहीं था, वो मुझे मेरे पटीदारों के चलते मुझे मार रहे हैं। जी अच्छा, थाने गए थे? थाने पे सर मेरा परिवार गया था, मैं नहीं गया था। मैं सिर्फ, मुझे धमकी दी गई थी कि तुम थाने पे जाओगे तुमको मरवाऊंगा, तुमको और केस लगवाऊंगा। और उसके पिताजी होमगार्ड हैं। पिताजी होमगार्ड? जी। थाने सुनवाई नहीं? नहीं सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं रही। बार बार ये क्या नाम है, हमारी चौकी प्रभारी जो हमको बुला रहे हैं कि तुम थाने पे आओ, थाने पे आओ। जी बच्चों कोई कार्रवाई हुई है? सर कुछ नहीं, कोई उनको कोई पकड़ने हुए तो हंस रहे हैं। कप्तान साहब के मिले क्या बोले? कप्तान साहब को मिले तो सर बोले कि ठीक है जाओ थाने पे, तुम्हारी सुनवाई होगी। और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर ये 12-13 तारीख घटना, 13 तारीख। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।